धरती के अंदर एक भयानक आत्मा है। हाँ, सो सब लोग रेडी हो गए। अभी टाइम हो रहा है 10:30 और हम लोग बहुत लेट निकले। हम लोग निकलने वाले थे 9 बजे बट अभी बहुत लेट हो गया। सो प्राइम रेसिडेंसी, सॉरी, तुम लोग का सर्विस ठीक था बट रूम्स अच्छे नहीं थे, एसी में बहुत प्रॉब्लम था। ओह यस, दैट्स माय स्टिकर। रेड का है, उसके नीचे मेरा स्टिकर है, गणपति बाप्पा मोरिया देवा राइड सुखाची हो दे। कि हम लोग शायद से पहुंचेंगे 12-1 या 2 बजे घर पे, क्योंकि हम लोग को वैसे ही जाना है। आने के लिए हम लोग को वैसे से आने के लिए आई थिंक 14-15 आवर्स लगे विद ब्रेक। ब्रेक हम लोग ने ज़्यादा लिया, दो घंटे का तो ब्रेक ही हुआ रहेगा। आई होप हम लोग का राइड अच्छा हो, कोई प्रॉब्लम ना है छोटी मोटी। ओ ओके, मैंने ट्रिप कर लिया 0। I can't find my way back to you till you make amends with the demons you've been through। जैसे कि आप लोग ने देखा, आते टाइम गोवा में आते टाइम हम लोग ने आंबोली निपाने से आंबोली घाट वाला रूट लिया था, बट ये टाइम हम लोग चोला घाट से जाने वाले ये टाइम, क्योंकि जो आंबोली घाट रूट है वो बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा है। आई होप कि चोला घाट वाला रूट भी अच्छा रहे। मैं 1-1.5 साल पहले आया था, तब भी रूट बहुत अच्छा था और अभी भी शायद से अच्छा ही रहेगा, बट आंबोली घाट रूट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। Leaving you alone until you find your way back home. And some Russians. यहाँ पे रेशियंस बहुत ज़्यादा आते हैं, वो लोग के लिए ये बहुत अच्छा प्लेस है, फेमस प्लेस है, और वो लोग के लिए यहाँ पे गोवा चीप भी है। और गोवा में जो बोर्ड्स या फिर डायरेक्शन बोर्ड्स जो भी है वहाँ पे, एक तो इंग्लिश में लिखा है और सेकेंड लैंग्वेज रशियन है, नहीं तो मोस्टली इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ रहता है डायरेक्शन के लिए, बट यहाँ पे इंग्लिश और रशियन है। सो अच्छा है, वो लोग के लिए भी अच्छा है। शायद से हम लोग की बहुत वाट लगने वाली है, क्योंकि हम लोग बहुत लेट निकले, अराउंड 11:30 को निकले और पूरा रास्ते में धूप मिलने वाली। सो आई होप इतना क्लाइमेट गर्म नहीं होगा, अभी तो नहीं लग रहा है। अभी पहले जहाँ पे होटल में थे वहाँ पे थोड़ा गर्म हो रहा था, बट अभी तो मूविंग बाइक्स में समझता नहीं है। आई लव दिस बाइक, स्पीड ट्रिपल 1050cc, एंड उसने उस पर ऐसी प्रोजेक्ट लगाया जो कि बहुत अच्छा साउंड कर रहा है। वाह, क्या प्यारा व्यू है यहाँ पे। ये गोवा इतना ब्यूटीफुल क्यों है? देखो यार, मुंबई में ऐसा कभी देखने ही नहीं मिलता। हमारे वसई में मिलता है बट मुंबई में कभी नहीं मिलता। गोवा की गलियां भी बहुत सुंदर सुंदर है, पूरी कलरफुल कलरफुल। ये देखो, यहाँ पे ब्लू कलर है तो यहाँ पे अलग कलर से है, और रोड्स बहुत अच्छे हैं, छोटे हैं बट मज़ा आता है। यही तो गोवा का फील है,
ये छोटे छोटे रोड्स मोस्टली सबको बहुत पसंद आते हैं अगर गोवा में घूमना है तो। अगर लंबा राइड करना है तो ये रोड किसी को पसंद नहीं आएंगे, बट मुझे तो बहुत रोड पसंद आते हैं। देखो रोड छोटे बट इतने अच्छे हैं, खड्डे वगैरह कुछ नहीं है। वीडियो के पीछे मेहनत करना मैंने शुरू किया है, मुझे पता नहीं आप लोगों को मेरा वीडियो कितना पसंद आता है, बट मैं अभी शुरू कर रहा हूँ वीडियो में थोड़ा मेहनत करने के लिए। ड्रोन शॉट्स वगैरह सब्सक्राइब करते जाओ अगर वीडियो आप देखते हो तो, क्योंकि अच्छा लगता है सब्सक्राइब किया तो, मेरे भी सब्सक्राइब बढ़े तो मुझे भी अच्छा लगता है और थोड़ा मोटिवेट भी होता हूँ मैं कि मुझे अभी सब्सक्राइबर मिल रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा करना चाहिए और मेरा भी एक लेवल ऊपर होता है अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते तो। मेरे आप वीडियोज़ देख लो, स्टार्टिंग में मैं कुछ भी वीडियोज़ बनाता था, पहले मैं सिर्फ म्यूज़िक में वीडियोज़ डालता था, थोड़ा भी कुछ बोलता नहीं था, बट अभी थोड़ा इम्प्रूव हो रहा हूँ, आई होप आगे और हो जाऊँ। और ये साइमन से राइड का भाई है, वो भी हम लोग के साथ राइड पे आया था। 2 मिनट भी नहीं हुआ मैंने कैमरा ऑफ किया और इतने सारे अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं कि मेरे को बार बार कैमरा चालू करना पड़ रहा है। ये व्यू देख लो कितना अच्छा है, एंड ये छोटी छोटी चर्च बहुत अच्छे लगते गोवा में। वाह क्या ब्रिज है, गोवा इतना अच्छा क्यों है। सो अभी हम लोग चोरला रोड पे एंटर हो चुके हैं, यहाँ से बेलगावी समथिंग 82 किलोमीटर है। सो आई होप कि जल्दी कवर हो जाए, एक डेढ़ घंटे में शायद से हम लोग बेलगावी पहुँच जाए। और वो देखा आपने, बहुत हम लोग के साइड में छोटा रिवर है, बहुत सही लग रहा है। स्क्विड्स जो चला रहा है उसने हेलमेट पहना नहीं है और जो पीछे बैठा उसने हेलमेट पहना है, वाह। और ये थोड़े टाइम पहले हम लोग को ये राइट से बोल रहा था, वाह ओहो, ऐसा लग रहा है मैं फार क्राई गेम खेल रहा हूँ। फार क्राई में भी ऐसी टाइप का कुछ लोकेशंस रहते हैं बट इतने अच्छे रोड नहीं रहते हैं। और यहाँ पे आते ही फुल पूरा ठंडा ठंडा हो गया। ओहो डैम है ये, क्या घाट है बॉस, और इतना ठंडा। दिस घाट इज वे बेटर देन अंबुली घाट, बट द थिंग इज ये थोड़ा लंबा पड़ता है जाने के लिए, बट ये रोड से जाना वर्थ है क्योंकि जो यहाँ पे ये घाट पे चलाने की जो फीलिंग आती है, ये जो मौका मिलता है वो बार बार नहीं मिलता है। हम लोग साल में एक बार आते हैं और यस एंजॉय करने ही आते हैं, सो एंजॉय द घाट्स एंड दैट्स बॉब मोटो। Find your way back home. जब भी लास्ट टाइम मैं गोवा आया था तभी मैं यहाँ पे रुका था और यहाँ पे रुक के मैंने फोटो लिया था ये वाला, तभी कितना पतला था मैं। और एडिट बोल रहा है बहुत सही ट्विस्टीज है, मजा आ रहा है।
क्या जगह है ये, जो बेलगावी के रोड जो है वो सुपर्ब है, मुंबई के भाषा में एक नंबर है रोड, फुल ओपन रोड, नो ट्रक्स, ज़्यादा कुछ ट्रैफिक नहीं है और बस हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभी सब लोग किधर है क्या पता, अभी से मैं और एरिडी है, आई थिंक रफ राइडर पीछे है मेरे, यस रफ राइडर पीछे है। अच्छा हमने ये राइड किया, मेरा ड्रीम राइड था रफ राइडर। स्पेशल जो मैंने राइड किया मुंबई टू गोवा, वो भी मुंबई के मोटोव्लॉगर्स के साथ। अभी हम लोग बेलगावी में पहुंच चुके हैं, वी हैव डन अराउंड 110 किलोमीटर एंड बाकी सब लोग पीछे छूट गए, क्या पता किधर रुक गया ये लोग। मैं एरिड और रफ राइडर अभी बेलगावी हम लोग पहुंच गए हैं। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे, वो लोग का वेट करेंगे। कोल्हापुर इज 117 किलोमीटर स्ट्रीट, मुंबई स्ट्रीट, कोल्हापुर स्ट्रीट, सब स्ट्रीट। तो बोर्ड क्यों लगाया मैंने, हर एक वेंट ओपन कर दिया क्योंकि थोड़ा अभी गर्मी बढ़ रहा है। ये बेलगाव सिटी बहुत अच्छा और बहुत क्लीन है और बहुत बड़ा भी है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सिस्टमेटिक है, कोई हेलमेट नहीं पहनता है यहाँ पे, कंपलसरी नहीं रहेगा शायद हेलमेट, क्योंकि मैंने कॉप को भी देखा, कॉप ने भी हेलमेट नहीं पहना था। ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे हेलमेट कंपलसरी नहीं है, हमारे वसे में भी हेलमेट कंपलसरी नहीं है। अभी हम लोग को सिटी में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और बाय द वे बेलगावी कर्नाटका में आता है, तो हम लोग 3 स्टेट ट्रैवल करने वाले, एक गोवा हो गया, कर्नाटका, देन हम लोग महाराष्ट्र में इंटर करेंगे। सुबह एक राइड में 3 स्टेट। सो जस्ट अभी हम लोग हाईवे पर पहुंच गए, ओ अभी मजा आएगा बहुत। एक राइडर की लाइफ बहुत अच्छी होती है, देख लो ऐसे व्यूज देखने मिलते हैं हमेशा, यही रीजन है कि हम लोग राइड करते हैं ऐसे सब देखने के लिए, इतने अच्छे अच्छे व्यूज, इतनी नई नई जगह। तो यस हम लोग गोवा वेस्ट पहुंच गए।
सो जस्ट अभी गोवा वेस में लंच किया. गोवा वेस होटल बहुत सही है निपानी के यहाँ पे. Now we are somewhere near Kolhapur and Arid is riding Bob's bike. Yes, Maharashtra Rajya apne sarche swagat kari da hai. So, bye bye Karnataka. Welcome to Maharashtra. And so you find your way back home. और आपको ये लाइट मेरा दिख रहा रहेगा जो थोड़ा डांस कर रहा है, उसका जो एक नट है वो थोड़ा लूज हो गया, इसलिए एक साइड डांस कर रहा है. ये देखो तो आपको पता चल गया रहेगा कि मैं लोनावला पहुंचा हूं. और सब लोग पीछे है तो हमें, मैं विट्ठल कामत के यहाँ पे रुकता हूँ. सॉरी, विट्ठल कामत नहीं, ओनली कामत है, वहाँ पर रुकता हूँ, सबका वेट करता हूँ. तब तक वो लोग आ जाएंगे. एंड ओ गॉड ये लाइट ने मेरी बहुत हेल्प की है. यस, हम लोग अभी पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे एंड वंस अगेन वन मोर टनल. सो अभी 12 बजे रात के और अब तक हम लोग घर पे नहीं पहुँचे. मॉर्निंग 10:30, 10:45 को निकले थे बट अब तक नहीं पहुंचे. अभी हम लोग हेलो अर्धा तास आता इकडे घोडबंदरला पोचला फाउंटेनच्या इकडे. मम्मी झोपली, मम्मीला सांग. हां, अर्धा तासात पोचतोय. ते फाउंटन हॉटेल आहे ना आपलं बाहेरचं, तिकडे पोचलो. आला अर्धा तासात आला. चल तू झोप मी येतो. हम लोग भी पहुंच गए फाउंटन हॉटेल. अपने घर आके बहुत अच्छा लगता है. अरे अंदर है सब. अब भी दे. होम स्वीट होम. गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग.